आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएड को वॉश करने के लिए और फेस को वॉश करने के लिए ऐसा कौन सा फेस वॉश होता है जिससे कि आपकी बीएड भी ग्रोथ होती है और आपका फेस भी ग्लो करता है, फेस भी साफ होता है। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप में से जो मैन है वो बीएड के लिए और फेस के लिए फेस वॉश सर्च करते हैं, फेस वॉश ढूंढते हैं कि यार हमें कोई सा ऐसा फेस वॉश मिल जाए जिससे कि हमारी दाढ़ी भी साफ सुथरी रहे और दाढ़ी की ग्रोथ भी हो और हमारा फेस भी साफ रहे, पिंपल्स ना हो और फेस भी गोरा होता चला जाए। ऐसे आप में से बहुत से लोग होंगे जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा ही फेस वॉश बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी बियर्ड आपके फेस पर, जिसका नाम है हिमालय बियर्ड एंड फेस वॉश। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश माना जाता है। इसमें आपको कोकोनट वाटर एंड एलोवेरा जेल मिक्स करके बना के मिलाया जाता है जो कि आपके फेस के लिए और आपके बियर्ड के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसको आपके बियर्ड पर यूज़ करते हैं तो बियर्ड को इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये आपकी बियर्ड की हेयर्स की डलनेस को यानी गंदगी को रिमूव करता है, निकालता है, जैसे कि धूल मिट्टी खर जब आप घर से बाहर जाते हो तो आपके फेस पर बहुत सारे डलनेस लग जाते हैं, बहुत सारे धूल मिट्टी वगैरह गंदगी लग जाती है, ये उसको रिमूव करता है। अगर आपके बियर्ड के हेयर्स ड्राई रहते हैं तो ये उस पर भी वर्क करता है, आपके हेयर्स को कंडीशनर में लेके आता है, जो कि कंडीशनर जो रहता है वो कर देता है और आपकी बियर्ड के हेयर्स की उससे ग्रोथ होने लग जाती है। वैसे ये फेस पर वर्क करता है। अगर आपका फेस ऑयली है तो ये ऑयल को रिमूव कर देगा, अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट या पिंपल्स आ रहे हैं तो ये उसको भी रिमूव कर देगा। यानी कुल मिला के आपको एक ही प्रोडक्ट में दो आपको यूजफुल प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी आपकी बियर्ड भी उससे वॉश होगी, आपका फेस भी उससे वॉश होगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। देखो, एक तो आप कोकोनट वाटर जिससे कि आप बियर्ड की ग्रोथ कर सकते हैं और एलोवेरा जेल जिससे कि आपकी बियर्ड के हेयर सॉफ्ट होते हैं और फेस की पूरी स्किन ग्लो करती है और साफ होती है। तो अगर आप ऐसी कोई सी भी बियर्ड की प्रॉब्लम्स को लेके या फेस की प्रॉब्लम्स को लेके सीरियस हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लड़का बनना चाहते हैं तो आप कोई इसको यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आप मैन बनना चाहते हैं तभी भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बियर्ड इससे 100% ग्रोथ होती, कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ अच्छा होता है बियर्ड पर, जो कि बियर्ड पर पूरी बियर्ड पर वर्क करता है और उसी के साथ साथ आपके फेस पर भी ये वर्क करता है। और अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपके फेस पर जलन वगैरह कुछ भी हो रही है तो आप उसको तुरंत लगाना बंद कर सकते हैं। इसको आपको ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फेस को इतनी मसाज करते हैं, इतना स्क्रब करते हैं, घिस घिस के फेस को रेड कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। आपको ओनली 1 से 2 मिनट तक इसका स्मूथली मसाज करना है फेस पर, जहाँ पर भी आपके फेस में डल है या फिर आपकी बियर्ड के हेयर्स को आपको और अच्छा ग्रोथ करना है और अच्छा सिल्की सॉफ्ट बनाना है तो आप इसको स्मूथली मसाज करें, ना कि हार्ड मसाज करना है जो कि आपके पूरे फेस को। फिर आप इसको नॉर्मल पानी से बहुत सारे किसी भी सूखे कपड़े से आप साफ कर सकते हैं। तो ये उसको लगाने का तरीका होता है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन।